Hi guys, good morning. Today my maths class first में आज हमारा टॉपिक होगा नंबर्स 20 to 100। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7 and 8 सॉल्व की थी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9 सॉल्व करेंगे। काउंटिंग काउंटिंग 70 to 79। यस, यस हमने यहाँ हमें काउंटिंग करनी है 70 to 79 तक। यस, अब हमें यहाँ बताना है 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus। हमने यहाँ कितने टाइम्स 10 लिखा है? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। यस, 10 plus 10 20 20 plus 10 30 30 plus 10 40 40 plus 10 50 50 plus 10 60 or 60 plus 10 7 7 0 70 7 10 make जब हम 7 बार टेंस को काउंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 70 70 70 बन जाएगा। यस, अब हम आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टावर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। How many towers? 7 towers. Yes, हमें यहाँ छोटी क्यूब दिए हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। Yes, 1 टावर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 10 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, 1 टावर की वैल्यू कितनी है? 10। सेकंड टावर की भी 10, थर्ड की 10, फोर्थ की भी 10, फिफ्थ की 10, 6 and 7। हाउ मेनी टावर्स? 7 टावर। 1 टावर की वैल्यू अगर 10 है तो 7 टावर्स की वैल्यू क्या होगी? 10 plus 10 20 20 plus 10 30 30 plus 10 40 40 plus 10 50 50 plus 10 60 or 60 plus 10 70 70 0 70। यहाँ क्यूब्स कितने दिए हमें? 1 2 3 4 5 6 7 70 plus 7 70 7 70 7। अब हमें यहाँ बताना है 10s and 1s। हमें यहाँ बताना है 10s कितने हैं और 1s कितने हैं? 1 and 10। तो हाँ, हमारे यहाँ 1s की वैल्यू कितनी हो गई? 7 और 10s की भी 7, क्योंकि क्या आंसर है? 77। अब हमें इसे नंबर्स नेम में लिखना है। हम इसे लिखेंगे S-E-V-E-N-T-Y 70 S-E-V-E-N 7 70 7। यस फ्रेंड, आप लोगों को समझ में आया है?
यस, ऐसे ही हम एक्सरसाइज नंबर 10 सॉल्व करेंगे. ओके, यस, एक्सरसाइज नंबर 10 में हमें दिया हुआ है काउंटिंग 82, 89. कहाँ से काउंटिंग करनी है हमें? 80 से 89 तक. यस, अब हमें यहाँ एक लाइन बना लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89. यस, हमने काउंटिंग की 82, 89. अब हमें यहाँ हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यह हमें टावर दिए गए हैं. हमें यहाँ एक टावर बनाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. कितने टावर्स बन गए हमारे? टावर्स आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बता दिए, अभी बताया. 1 टावर कितने पार्ट में होता है? 10 में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस, 1 टावर की वैल्यू कितनी है? 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 and plus 10, 10 and 10 is 20. 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, 50 plus 10 60, 60 plus 10 70, 70 plus 10 80, 8 tens make 80. जब 8 tens एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 80. यस, यस, हमारे पास यहाँ 8 towers हैं और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम सॉल्व करते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 10 का. और हमारे यहाँ क्यूब हमें 9 दिए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. यस, 1 टावर की वैल्यू कितनी होती है? 10, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 and plus 10. 3, 3, 6, 7, 10, 10, 10, 10 plus 10. Yes, 10 or 10, 20. 20 or 10, 30, 30 or 10, 40, 40 or 10, 50, 50 or 10, 60, 60 or 10, 70, 70 or 10, 80, 80. 8 tens. 8 tens मिलके क्या बनते हैं? 80. और इसमें क्यूब कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 8 plus 9, 89. इसमें 1 से 9 और 10 से 8. अब हमें यहाँ लिखना है 10 and 1. तो यहाँ 1 कितने हो गए? 9 और 10 कितने हो गए? 8. अब हम इसे नंबर्स नेम में लिखेंगे. नंबर्स नेम E-I-G-H-E-Y 80 and 9 and 9 89. Yes, it's
स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ऐसे ही अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 और 10 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बुक में। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, आप लोग इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैम से डिस्कस कर सकती हो। ओके ओके बेटा, ओके बाय।